क्या आपने कभी बच्चों को जन्म लेते देखा है जिनका जन्म अभी एक सेकंड पहले हुआ है और जन्म के तुरंत बाद हो रहे उनके बदलाव को। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जन्म के कुछ मिनटों बाद ही दौड़ने लग जाते हैं, कुछ बच्चे तो जन्म के तुरंत बाद ही शिकार पर निकल लेते हैं और कुछ बच्चे जन्म के दौरान बहुत ही ज़्यादा अलग दिखते हैं। आज के इस वीडियो में आप बच्चों में होने वाले बदलाव और जन्म के दौरान उनकी प्रतिक्रियाओं को देखोगे। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों जानवरों के बच्चे इस दुनिया के सबसे क्यूट जानवर होते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले स्तनधारी जानवर हाथी के बच्चे से। 22 महीनों तक मादा हाथी के पेट में रहने के बाद हाथी के बच्चे का जन्म होता है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि हाथी के बच्चे दुनिया के सबसे बड़े बच्चे होते हैं, मतलब जन्म के दौरान उनका वजन लगभग 100 किलो के आसपास होता है। जब 22 महीनों बाद बच्चा पहली बार जमीन पर कदम रखता है तो वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। जन्म के लगभग एक या दो घंटे बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है और 6 से 8 महीनों तक वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो पानी पीना और पेड़ों की पत्तियों को खाना सीखते हैं। क्या आपने कभी पांडा के बच्चे देखे हैं? वैसे पांडा के बच्चे तो दूर की बात है, खुद पांडा ही देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। पांडा चीन में पाए जाते हैं। मादा पांडा जो होती है वो एक बार में एक या दो ही बच्चे पैदा करती है, जिनमें से वो सिर्फ एक ही बच्चे का ख्याल रखती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मादा पांडा दूसरे बच्चे के लिए इतना दूध नहीं जुटा पाती। जन्म के दौरान पांडा के बच्चों का वजन सिर्फ 100 ग्राम तक होता है। यहाँ तक कि कुछ पांडा के बच्चों का वजन तो 50 ग्राम के आसपास ही होता है। लगभग 6 सप्ताह तक तो पांडा के बच्चों की आंखें भी नहीं खुलती और लगभग 2 महीने बाद उनके कान अच्छे से खुलने लगते हैं। हमारा अगला जानवर है किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप है। मादा किंग कोबरा जमीन पर पत्तियों से एक घोंसला तैयार करती है जिसमें वो अंडे देती है और बच्चे जैसे ही अंडों से बाहर निकलते हैं वो सीधे शिकार पर निकल लेते हैं। किंग कोबरा के बच्चे दुनिया के पहले बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। वो बिना अपने माता पिता की मदद से अपना खाना भी ढूंढते हैं और अपने आप को शिकारियों से भी बचाते हैं। जन्म के दौरान इन बच्चों की लंबाई सिर्फ 60 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 40 ग्राम तक होता है और इनका जहर उतना ही खतरनाक होता है जितना किसी जवान किंग कोबरे का होता है। और जब ये बच्चे पूरी तरह से जवान हो जाते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 18 फीट तक हो जाती है। कंगारू के बच्चे जन्म के दौरान सिर्फ 1 इंच के होते हैं और पूरी तरह से जवान होने में लगभग 18 महीने तक का समय लगता है और इन 18 महीनों में उनका वजन लगभग 96,000 गुना बढ़ जाता है। तो अब आप सोच सकते हो कि जब ये जन्म लेते हैं तो इनका वजन कितना सा होता होगा। मेरे ख्याल से 1 ग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा कम। जिराफ दुनिया के सबसे ऊंचे जानवर है। इनके इतने ऊंचे होने के बहुत सारे फायदे भी है और नुकसान भी। फायदे तो ये है कि ये दूर दूर तक देख सकते हैं और पेड़ों की ऊपरी टहनियों की पत्तियों को खा सकते हैं और अपनी गर्दन को दूसरे शिकारी जानवरों से बचा सकते हैं। और इस बड़े शरीर की वजह से इन्हें परेशानियां भी बहुत सारी है। सबसे पहली परेशानी, इन्हें पानी पीने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। इन्हें पानी पीने के लिए अपने आगे के दोनों पैरों को फैलाकर आगे की तरफ झुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये ऐसी पोजीशन पर होते हैं, अगर उस वक्त कोई जानवर उन पर हमला कर दे तो वो संभल भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात, उन्हें बैठने में भी काफ़ी परेशानी होती है। अफ्रीका के जंगल पूरी तरह से खतरनाक शिकारियों से भरे पड़े हैं, इसीलिए जिराफ अधिकतर समय खड़े ही रहते हैं और वो खड़े खड़े ही सो लेते हैं। और जब मादा जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चे को जन्म खड़ी खड़ी ही देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मादा जिराफ को बच्चों को जन्म देने में बहुत टाइम लगता है और अगर वो जमीन पर लेट कर अपने बच्चे को जन्म दे तो शिकारी जानवर उस पर हमला कर सकते हैं। जन्म के दौरान बच्चा लगभग 2 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है और बच्चे की परेशानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कुछ देर बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन छोटे जिराफ को दूसरे खतरनाक जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है।
जानवरों की दुनिया में बच्चों की लाइफ सबसे ज़्यादा दुख भरी होती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें खतरनाक शिकारी जानवर उनके जन्म लेने के कुछ मिनटों बाद ही मार देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन शिकारी जानवरों के बच्चे शायद कम खतरे में होते होंगे। शेरों के बच्चों को लकड़बग्गो और बबून बंदरों का खतरा रहता है। चीता के बच्चे लकड़बग्गो और शेरों द्वारा मार दिए जाते हैं। कभी कभी लकड़बग्गो के बच्चों को भी शेरों द्वारा मार दिया जाता है। तो किसी भी दिशा से आप देख लो, जानवरों की दुनिया में कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। और अगर हम दुनिया के सबसे खतरनाक बच्चों की बात करें तो किंग कोबरा की तो मैं बात पहले ही कर चुका, और उसके बाद नाम आता है ब्राकोनिड वास्प का। ये एक प्रकार का कीड़ा है। इनके जन्म लेने के तुरंत बाद ही ये भी शिकार पर निकल जाते हैं। क्या आपने कभी इस जानवर को कहीं देखा है? क्या लगता है, क्या ये कोई सुअर है या फिर कोई हाथी? दरअसल ये एक साउथ अमेरिका का स्तनधारी जानवर है जिसे हम तापीर के नाम से जानते हैं। वैसे किसी जवान तापीर का शरीर सफ़ेद और काले रंग का होता है, लेकिन जन्म के दौरान तापीर का शरीर पूरा काले रंग का होता है और उस पर सफ़ेद धारियां होती है। अगर आप किसी बच्चे को और जवान तापीर को एक साथ खड़ा करोगे तो आप ये बता नहीं सकते कि ये दोनों एक ही जानवर है, अगर उनके मुँह को आप ना देखो तो। दुनिया के लगभग सभी गिरगिट अंडे देने के बाद अपने अंडों को देखने भी नहीं आते। वो बस अंडे देते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। बच्चे अपने आप ही अंडों से बाहर आते हैं और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कैमेलियन जो होते हैं वो किसी दूसरे कैमेलियन से बात करने के लिए अपने शरीर का रंग बदलते हैं। मतलब शायद उनके बीच ऐसा होता होगा कि अगर कैमेलियन हरे रंग का है तो उसका मतलब हाय, और अगर कैमेलियन लाल रंग का है तो उसका मतलब बाय। वैसे इन जानवरों की दुनिया में हर एक बच्चे की कहानी अलग अलग है, और जानवरों की तो इतनी सारी प्रजातियां हैं कि जितने जानवरों के नाम ले उतने ही कम है। जानवरों में बहुत सारी माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, जबकि कुछ ऐसी है जिनके बच्चों को अगर कोई छू भी ले तो फिर समझो खेल खत्म। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बच्चे कौन से हैं? किसी बड़े शिकारी जानवर के बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं या फिर किसी बड़े शाकाहारी जानवर के? सबसे ज़्यादा सुरक्षित बच्चे हाथी के और दरियाई घोड़े के होते हैं, लेकिन खतरनाक शिकारियों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बच्चे बाघिन के होते हैं। और अगर आप इन सबसे ज़्यादा सुरक्षित बच्चों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसे आप देख सकते हो, एंड स्क्रीन पर वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।